मैं 8 प्रोडक्ट रखे हुए हूँ, ये सारे प्रोडक्ट अंडर ₹300 है। तो गाइस ये रहा टॉप, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सारे टॉप्स को आप कितनी रेटिंग दोगे। ओके, बाकी 3 पैंट का रिव्यू भी दे देती हूँ। ये भी अंडर ₹250 है, ये तो और ज्यादा सस्ती पैंट्स मुझे रिसीव हुई है, बहुत ज्यादा सस्ती पड़ गई मीशो पे। हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर मीशो हॉल। तो वैसे तो मैंने आप सबके साथ ना बहुत सारे मीशो के प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर किया है। तो अभी रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले सबके आपके साथ ना ट्राउजर पैंट्स एंड टॉप का एक रिव्यू शेयर किया था, जहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा। तो मेरी सबसे पहली शिकायत आप लोगों से यही रहती है कि आप लोग मेरी सारी वीडियोज को जरूर देखा करो। तो आज फर्स्ट टाइम मैं ना मीशो हॉल का पूरा एक लॉन्ग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने इसको बिल्कुल भी स्किप कर दिया तो आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। तो ये टोटल मैंने इसमें 8 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिसमें से 4 मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किए हैं एंड बाकी के 4 मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो टोटल इसमें 8 प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दे रही हूँ, ये सारे प्रोडक्ट अंडर ₹300 है। यस, सही सुना आप लोगों ने, सारे प्रोडक्ट अंडर ₹300 है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आप लोग प्लीज प्लीज जरूर वॉच करना पूरी वीडियो को। एंड सारे टॉप्स एंड बॉटम वेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है ना, तो आप लोग वहां से जाके परचेज कर लेना, लिंक पर क्लिक कर लेना एंड परचेज कर लेना। सो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मीशो हॉल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रही हूँ, 5 जो टॉप मैं आपके साथ आज जिनका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, वो सारे टॉप ट्रेंडी फ्रॉक स्टाइल टॉप्स है। उसमें से एक तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है उसका रिव्यू, तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से उसका रिव्यू देते हैं। वहां पर तो मैंने कुछ हाइलाइट्स पॉइंट आपके साथ शेयर करे थे, बट इस वीडियो में मैं सब कुछ शेयर करूंगी कैसा क्या आया है। सो फर्स्ट टॉप मेरा यहाँ पर रखा है, दिस इज माय फर्स्ट टॉप एंड दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट टॉप है। ये टॉप है, ये पिंक कलर का टॉप है एंड आप लोग देख सकते हैं इसमें ना गोल्डन कलर का वर्क है फ्रंट पे, और नेक पे ये दो डोरी दे रखी है, काफी अच्छी लग रही है इसके साथ। और आप लोग देख सकते हैं ये कपड़ा कितना ज्यादा सुंदर आया है, बहुत ही अच्छा है। ये प्रिंटेड है कपड़ा एंड इसकी 3-4 स्लीव्स है जो आपकी एल्बो तक आएंगी, एंड जो फ्रंट पे वर्क दे रखा है वही सेम वर्क आपको ना यहाँ पर स्लीव्स में नीचे दे रखा है, काफी अच्छा वर्क है। और लाइक जयपुरी स्टाइल में ये टॉप है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पे ना चुन्नटे दे रखी है, मतलब प्लेटिंग करी हुई है ताकि ये फ्रॉक स्टाइल में दिखे। और ये बैक में ये बिल्कुल सिंपल है, प्लेन टॉप की तरह, इसमें पीछे पूरा कपड़ा प्रिंटेड है। ये बहुत ज्यादा सुंदर टॉप है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रिटी है। कपड़े की बात की जाए तो ये कपड़ा कॉटन का है, जो कि बहुत अच्छा है समर के लिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड इसका प्रिंट की बात करूं तो प्रिंट बिल्कुल नहीं छूटेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बट वो तो बाद में पता चलेगा। बट 99% तो इसका प्रिंट नहीं छूटेगा, 1% मैं चांसिंग नहीं दे सकती हूँ। इसको मैं खुद यूज करूंगी, वॉश करूंगी, तब मुझे पता चलेगा। तो पहले तो इसको मैं आपको पहले पहनकर दिखाती हूँ कि ये टॉप कैसा लग रहा है, लेंथ वाइज ये बहुत अच्छा है। तो चलो जल्दी से फटाफट से पहन के दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस ये रहा टॉप, और ये लुक में कुछ इस तरीके से आया है, प्रॉपर फ्रंट वर्क आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा एंड बैक से कुछ इस तरीके है। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉप है। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। तो अब दिखाती हूँ मैं अपना सेकंड प्रोडक्ट, जो अभी तक इसका रिव्यू मैंने आपके साथ ना शॉर्ट्स पे शेयर नहीं किया, जो मैं इसी में शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा सेकंड प्रोडक्ट, इसको ओपन करते हैं, देख सकते हैं। Oh my God, this is so pretty top, आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा pretty work है। कपड़े की बात करूं, कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है यार, इतना सस्ता कपड़ा मीशो पे मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। कॉटन का कपड़ा है इसका भी अगेन, एंड फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ धागे की वर्किंग है इस पे, एंड फ्रंट बहुत अच्छा है, वी गला है इसका। अगेन इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा सुंदर है, ये भी 3-4 स्लीव्स है, बस इसकी स्लीव्स ना बलूनी, वो क्या होता है ना, प्लेटिंग डली हुई है इस पे यहाँ पे स्लीव्स पे, तो काफी अच्छा फेयर मिल रहा है आपको स्लीव्स पे। बहुत ज्यादा सुंदर टॉप है ये भी, एंड ये भी फ्रॉक स्टाइल टॉप है, फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं प्लेटिंग डली हुई है ताकि पूरा फ्रॉक स्टाइल इस पर लुक मिले। एंड ये काफी सुंदर टॉप है एंड कलर इसका बहुत ज्यादा प्रिटी है, पीच ही कलर है इसका भी,
बैग की बात करूं तो ये बैग से बिल्कुल सिंपल है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। इसमें इस टॉप में सिर्फ फ्रंट पर वर्क है जो कि बहुत ही ज्यादा सही है, क्योंकि अगर पूरे होता तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ खास नहीं लगता, बट ये सिंपल फ्रंट पे जो वर्क है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड इसमें ना धागे की वर्किंग है तो ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो चलो इसको भी आपको मैं पहनकर दिखा रही हूँ कि इसका लुक वाइज ये कैसा आएगा। तो इस टॉप का लुक कुछ इस तरीके का आया है एंड इट्स सो प्रिटी यार, ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हम उसमें तो कुछ सर्दी सुंदर लग रहा है तो आप लोग देख सकते हैं ये टॉप कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। लुक वाइज सो 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 प्रिटी, 10 out of 10। ये कुछ इस तरीके का आया है बैक से एंड या। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना थर्ड प्रोडक्ट जो कि ये रहा, सॉरी ये रहा हमारा थर्ड प्रोडक्ट एंड चलो जल्दी से इसको भी अनबॉक्स करते हुए। थोड़ा गलत तरीके से मैंने इसका पैकेजिंग फाड़ दी थी। ओह ओह क्या निकला है टॉप, आपको तो देखते कह पहली बार में पसंद आ गया होगा। जैसे मैंने इसको ऑर्डर किया था एक ही बार में देखकर वैसे जैसे आपको आ रहा है लग रहा है ना ये टॉप कितना ज्यादा सुंदर है। तो अगेन इसका फैब्रिक कॉटन है, काफी अच्छा है। समर के अकॉर्डिंग मैंने सारी टॉप्स ऑर्डर करे थे ताकि समर में हम अच्छी तरीके से पहन पाए। एंड ऊपर देख सकते हो आप लोग कितनी ज्यादा सुंदर प्रिंट दे रखी है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सुंदर रहता है, ये हमेशा अच्छा लगता है, कभी इसको कोई फेल नहीं कर सकता। इसका नाम ये भी 3-4 sleeves है, बट इसकी जो नीचे स्लीव दे रखी है वो ऐसे ना फ्लेयर वाली दे रखी है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। आजकल ट्रेंड में भी चल रही है ये वाली स्लीव, सो व्हाइट कलर की है एंड पूरा इसका ना स्लीव्स आधी ना आधी से ज्यादा ही मान के चलो पूरी प्रिंटेड है। इसके प्रिंट की बात करूँ तो ये ना आपकी वेस्ट तक आएगी जो कि काफी ठीक है एंड ये अगेन प्रॉपर फ्रॉक स्टाइल टॉप है। इसमें आगे पीछे दोनों तरफ एक तो प्रिंट है एंड ये दोनों तरफ से इसमें नीचे की तरफ प्लेटिंग दे रखी है ताकि ये प्रॉपर फ्रॉक स्टाइल लगे। और इसका गला काफी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं कि इसका गला कैसा है, पूरा गोल गले में एंड नीचे भी थोड़ा सा कट बना हुआ है ताकि काफी अच्छा गला है, प्रॉपर गोल नहीं है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया टॉप, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये टॉप भी काफी ज्यादा सुंदर है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में है। तो जल्दी से इसको भी पहनकर दिखा दे रही हूँ कि ये लुक वाइज कैसा लगेगा। ये देखो क्यूटीज, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टॉप कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा सुंदर है, कितनी ज्यादा फ्लेयर वाली है। ये देखो फ्रंट से दिस इज सो गुड एंड बैक से ये ऐसा दिख रहा है। डांस करने का मन कर रहा है, जब इतना सुंदर कपड़े पहनू ना तो अपने आप में ही कुछ कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है, इसमें से मैं 10 out of 10 दूंगी। यस, तो अब दिखाती हूँ मैं अपना चौथा टॉप जो कि यहाँ पर है। ये देखो कितना ज्यादा सुंदर टॉप निकल के हाथ में आया है। सबसे पहले तो इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, ये ना मेहरून कलर है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है एंड आप लोग इसका प्रिंट देख सकते हो लाइक अ वाओ। इसको देखते ही मेरे मुंह से निकलता है ओ माय गॉड कितना ज्यादा सुंदर प्रिंट है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छा लग रहा है लुक वाइज। आपको मतलब देखते ही पसंद आ गया होगा ये वाला भी टॉप। तो सबसे पहले तो इसके ना फ्रंट की बात करूं, इसमें फ्रंट पे काफी सुंदर प्रिंट दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ना। एंड इसमें भी ऊपर की तरफ ऐसे गले पे टूरी दे रखी है एंड इसकी भी 3-4 sleeves है, बट इसकी स्लीव्स ज़्यादा सुंदर लगी मुझे बाकी तीनों टॉप में से। इसकी स्लीव्स पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब लाइक आपके यहाँ से लेके फिर एल्बो तक काफ़ी ज़्यादा प्रिंट दे रखा है। जैसे फ्रंट पे प्रिंट है वैसे इसके हाथ पे भी प्रिंट है एंड इसकी स्लीव्स ना एकदम फ्लेयर फ्लेयर वाली है, खुली खुली बड़ी सी स्लीव्स होती है ना वैसी है एंड इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, प्रिंट बिल्कुल नहीं छूटेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टॉप है। अगेन ये भी फैब्रिक इसका कॉटन है एंड आप लोग ये देख सकते हैं ये वाला ना पिछले वाले टॉप की तरह ही है। और हाँ एक और बात, इसमें ना नीचे की तरफ भी सेम ऊपर फ्रंट की तरफ वाला वर्क दे रखा है, प्रिंट दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर आप लोग देख सकते हैं एंड आगे पीछे बोथ साइड है ये प्रिंट एंड हाथ में तो पूरे पे है, आगे पीछे भी, आगे पीछे प्लेटिंग डली हुई है ताकि प्रॉपर फ्रॉक लुक आए। आपको ये वाला टॉप कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में एंड चलो चलो जल्दी से फटाफट से इसको पहन कर आती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये इसका लुक वाइज टॉप ये कैसा लग रहा है। ये देखो कितना ज्यादा सुंदर लुक इससे भी आया है,
थोड़ा ऊंचा होना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है फ्रंट का वर्क एंड हाथ वाला वर्क। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी स्लीव्स काफी ज्यादा फ्लेयर वाली थी एंड प्रिंट बहुत ज्यादा सुंदर है। बैक से भी देख लो कितना ज्यादा सुंदर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पांचवा और आखिरी टॉप जो कि यहाँ पर है। ग्रीन कलर का टॉप आप लोग देख सकते हैं इतना ज्यादा सुंदर आया है। मैंने ना सारे टॉप बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर मंगाए हैं, मतलब सारे हैं फ्रॉक स्टाइल में बट बहुत ही अच्छे हैं। लुक वाइज सबका अलग अलग है, आप कह नहीं सकते हो कि आपने पूरे टॉप फ्रॉक स्टाइल में खरीद लिए। ये लुक वाइज सारे टॉप्स बहुत ज्यादा सुंदर है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट पे ना बहुत ज्यादा अच्छा वर्क दे रखा है, कढ़ाई दे रखी है एंड कपड़ा पूरा प्रिंटेड है बट फ्रंट पे कढ़ाई दे रखी है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। आप लोग देख सकते हैं पास से कितना ज्यादा सुंदर वर्क है फ्रंट पे एंड इसकी स्लीव्स 3-4 है बट इसकी स्लीव्स प्रिंटेड है एंड सिंपल है इसकी स्लीव्स। और ये प्रॉपर फ्रंट से पहले वाले टॉपों की तरह इसमें फ्रंट पर ही प्लेटिंग डली हुई है ताकि ये फ्रंट पर ही फ्रॉक स्टाइल से लगेगा एंड बैक इसकी पूरी प्रिंटेड है, ये कपड़ा पूरा ही प्रिंटेड है और बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है। मुझे एग्जैक्ट फोटो में मैंने देखा था वैसे ही मुझे रिसीव हुए हैं और ये काफी अच्छे प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इसको बाय करना। ये मेरा पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू है, आप लोग जरूर इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरा आखिरी प्रोडक्ट था जो मैंने टॉप में मंगाया था, ये पांचवा टॉप था। तो चलो फटाफट से इसको भी मैं लुक वाइज आपको पहनकर दिखा दे रही हूँ ये कैसा लग रहा है एंड फिर अपने बाकी के 3 ट्राउजर पैंट्स का भी फटाफट रिव्यू आपको दे देती हूँ। तो ये भाई ग्रीन कलर के टॉप का लुक तो कुछ ज्यादा ही ऑसम आ रहा है, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसका वर्क मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था एंड ये दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सारे टॉप्स को आप कितनी रेटिंग दोगे। ओके इस टॉप को रेट करो फटाफट से भाई, मेरी तरफ से तो सारे टॉप्स को 10 out of 10 है। आपने अब तो सारे टॉप्स का रिव्यू देख ही लिया है, अब तक के सारे टॉप्स जितने भी मैंने ऑर्डर करे थे वो सब अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं और एग्जैक्टली जैसा फोटो में मैंने देखा था वैसे ही मुझे सेम रिसीव हुए हैं, कोई प्रोडक्ट बेकार रिसीव नहीं हुआ। तो अब मैं आपको बाकी की 3 पैंट का रिव्यू भी दे देती हूँ। ये भी ₹250 है, ये तो और ज्यादा सस्ती पैंट्स मुझे रिसीव हुई है, बहुत ज्यादा सस्ती पड़ गई मीशो पे। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी 3 ट्राउजर पैंट्स का रिव्यू। तो ये तीनों सेम ही क्वालिटी की है बट आपको मैं एक पैंट का रिव्यू दे देती हूँ और ये तीनों बहुत ज्यादा अच्छी है। ये मुझे ना अराउंड 220 की पड़ी थी, ये बहुत ज्यादा सस्ती है। तो मैं आपको ना ये ब्लैक कलर की पैंट का रिव्यू दे देती हूँ। ये आजकल कौन सा कपड़ा है मुझे भी नहीं पता बट जो भी कपड़ा चल रहा है ना ये बहुत ज्यादा सही है, इट्स सो कंफर्टेबल पैंट्स यार। आप लोग इसको पहनने के बाद ना आपको पता नहीं चलेगा आपने नीचे कुछ पहन भी रखा है। ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ज्यादा अच्छा कपड़ा है, गुड मटेरियल है, इलास्टिक पैंट्स है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर पैंट लगी मुझे सबसे ज्यादा। मैंने ना इसमें 3 कलर ऑर्डर करे थे, ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन कलर, तीनों सेम प्रोडक्ट है एंड आप लोग देख सकते हैं ये पैंट पे ना डिटेलिंग दे रखी है, लाइनिंग है इसमें, ये सिली हुई है लाइनिंग है एंड ये स्ट्रेट पैंट है, स्ट्रेट फ्लेयर वाला पैंट है, ये काफी अच्छा है एंड ये अंडर ₹220 है, 220 में आप क्या लोगे। तो ये था मेरे कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू है। तो आपको मेरा ये प्यारा सा मीशो हॉल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। और भी मीशो हॉल में आपके लिए लेके आऊंगी, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और प्लीज मेरी सारी वीडियो जरूर देखा करो, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बाय गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सी या।